कोरोना महामारी के इस काल में मानव ही मानव की सेवा में महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे ही मानव सेवा में सबसे आगे हमारे कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, पुलिस, एमसीडी कर्मचारी, मीडिया कर्मियों का सम्मान और उनका हौसला अफजाई के लिए सेवा ही संगठन योजना के तहत सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मान से नवाजा गया। सीकड़ी में यमुना बिहार वार्ड के निगम विद्यालय में क्षेत्रीय निगम पार्षद पिरमौद द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान से नवाजा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते ये बीजेपी के नेतागण हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना था कि सेवा ही संगठन के तहत कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना योद्धाओं ने फ्रंट लाइन पर आकर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी और अपने परिवार की सुरक्षा न करते हुए मानव धर्म में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, उन्हें मेडिकल किट सम्मान पत्र से नवाजा गया। कोरोना पैंडेमिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसको भी पार्टी ने सेवा ही संगठन में समर्पित किया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूँ और उनके साथ समाज के उन वर्गों को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने आगे आकर इस समय कोरोना में लोगों की मदद की। मैं स्वयं कोरोना से निकल के आया हूँ मेरे भाई बहन, और मैंने इस कोरोना संकट में महसूस किया कि ये भाप लेना इतना इम्पोर्टेंट है, कम से कम दवाइयां लेना, ये जिंको पावर इसमें एक रखा हुआ है, जिंक की हर विटामिन संकट में बहुत काम की है और मैं अभी तक ले रहा हूँ। वही दवा रखी हुई है, विटामिन सी भी है जो कि बहुत ही आवश्यक है, इसको तो इतनी बार एक दिन ले लिया, एक दिन भी कम ले लिया जाए तो विटामिन डी भी है। तो ये सारे सभा का मैं जो महत्व समझ पाया हूँ, जो प्रमोद गुप्ता जी ने किया यहाँ के पार्षद ने, जहाँ यहाँ के विधायक जी अजय महावर भी है, मन से एक भाव था कि वो लोग जिन्होंने सही मायने में संकट के समय में अपने जान की, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए इस राष्ट्र की, समाज की, मेरे क्षेत्र की चिंता की है, उन लोगों का धन्यवाद तो करना शायद बहुत थोड़ा होगा, उन लोगों का सम्मान करने की एक चेष्टा की है। उसमें मीडिया के बंधु, बहुत सारे मीडिया के लोग हमारे 20 से आज साथी नहीं भी रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। वो लोग जिन्होंने सैनिटाइजेशन किया, वो लोग जिन्होंने गली गली में जाकर सफाई का काम किया, वो लोग जिन्होंने सख्ती करके भी कई बार देश काम करना पड़ता है, पुलिस के लोग दिल के साथ काम किया, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन करने वाले लोग, हर वो व्यक्ति जो मुझे लगा कि इसका सम्मान होना चाहिए जिसने अपनी जान की कीमत पर हम लोगों की जान की रक्षा की है। तो ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, उन लोगों ने मिलजुल कर आज उनको सम्मान का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी और हमारे विधायक, हमारे जिले के अध्यक्ष और सभी क्षेत्र के वरिष्ठ लोग रहे, उनके सबके सानिध्य में सम्मान का कार्यक्रम किया है। मैं सभी को नमन करता हूं, पुनः उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहां उपस्थित हैं। अच्छा, जैसे बार बार पत्रकारों को कोरोना वॉरियर मान लिया गया शब्द का इस्तेमाल किया, आज आपने सही साफ किया उनका सम्मान करके, ऐसा कोई भी अलग से किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया कि कोरोना वॉरियर में पत्रकारों को रख के उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, या जैसे पत्रकार आपने बोला काल के गाल में समा गए, उनके लिए कुछ अलग से उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या सम्मान से आप मानते हैं कि जो लोग इस कोरोना काल के गाल में समाए हैं उनका भरण पोषण परिवार का क्या होगा? देखिए, मैं आज अपने आप को एक पार्षद न मान के, अपने आप को नेता या जनप्रतिनिधि न मान के,
मैंने आज एक सामान्य भाव से मेरे हृदय में भाव था कि वो लोग जिन्होंने सही मायने में मेरे क्षेत्र में मेरी दृष्टि में जिन्होंने काम किया है, मैंने उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। बाकी सरकार अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगी, मेरे नज़र में वो सभी लोग सम्माननीय है, माननीय है, जिन लोगों ने क्षेत्र के अंदर सेवाएं दी। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने भी कोरोना योद्धाओं के लिए अपने विचार व्यक्त किए और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211432 9211478312 9991041832। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।